कहाँ से शुरू करें? यहाँ से बिगिनिंग जब आप लर्निंग प्रोसेस होता है तो तब आप ऑफकोर्स हर बंदा मिस्टेक्स करता है, कोई नोबडी इज परफेक्ट. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, राइट? सो आई बिलीव वन ऑफ द थिंग जो मैंने लर्न की थी, विच वाज सबसे स्टार्ट में, कि मुझ पर ना ज्यादा लाइक टू मच मेकअप मेरे फेस पे सूट नहीं करता है. एज इन आपको कैसे पता चलता है आप पे सूट नहीं करता? मेरी जो एज है ना, मैं उससे ट्रिपल टाइम्स बड़ी लगती हूँ, राइट? लाइक एज इन मेरी अपनी आईब्रोज बहुत बुशी हैं, सो मैं उनको फिल इन करना इतना जरूरी नहीं है. मुझे ब्लॉक्स बनाना जरूरी नहीं है. मुझे कॉन्टोर की ऐसे ऐसे लाइनें जरूरी नहीं है, यू नो. सो रियली लेस, और मेरे फेस पे बेस भी बहुत कम आप लगाएं, सो इट्स लाइक नाइस एंड ऑल. अगर ज्यादा मेकअप कर दें तो फिर मैं आई लुक लाइक दो बच्चों की मम्मा. टू बी ऑनेस्ट, लोगों को पता होना चाहिए आई बिलीव कि मुंह पे कितना जरूरी नहीं है. पूरा पेंट कर दें, आप ब्रश उठाएं और सारा फाउंडेशन आगे फिनिश कर दें. लेस इज मोर आई बिलीव, यू नो. और स्किन को ब्रीथ, अपनी ओरिजिनल स्किन नजर आनी चाहिए, ना कि मुझे ये लग रहा है कि हम जब बहुत ज्यादा चीजें देखते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया के, उसमें भी हर चीज है और हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं वो कर सकता हूँ. एक तो जिसका काम उसी को साजे, जिनका काम होता है उनको आता है. और आप जब वो चीज अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सोच के करें कि आपका स्किन टाइप फर्क है, आपका कलर फर्क है. किसी ने अगर अपनी कोई, जैसे लोग आपसे पूछते हैं आपने कौन सा बालों में कलर किया हुआ है, आप कौन सी बेस यूज करते हैं, तो आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, हर एक का फर्क है. एग्जैक्टली, ये बात को समझना बहुत जरूरी है. इसमें बहुत ज्यादा मसले होते हैं. मैंने खुद ने ये किया कि एक दो दफा मैंने कुछ ऐसे मेकअप की इतनी प्रोडक्ट्स मंगवा ली जो बहुत एक्सपेंसिव भी थी, और बाद में आने के बाद पता चला वो तो मेरी स्किन टाइप के लिए थी नहीं, वो टोन नहीं जा रही थी, वो सब वेस्ट हो गया. जिसने जो बोला कि सिद्रा ये कर लो, वो मंगवा लिया. तो मंगवा लो. I was like, she's just so cute, you know, because, I mean, you know, she's like, कोई बात नहीं है, like, whatever कर दो. और उसमें फिर जब आप मंगवा लेते हैं तो फिर इसका और मेरा तो शायद फिर स्किन टोन और वो मिलता जुलता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत फ़र्क हो जाता है. और मैंने भी थोड़े से टाइम के बाद ये रियलाइज़ किया, जिस तरह ये मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि मेरे पास जो पैलेट्स हैं मेकअप के, आपके लिए मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर मैं जो कलर लगाती हूँ वो बोलता है कि मैं लगा हुआ हूँ. तो यू नो, उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता था कि बहुत ऐसे कलर्स हों. तो फिर वो टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि ये चीज मेरे लिए है, ये नहीं है, और हर वो चीज जो दूसरा. इसने बताया ना सिद्रा, इसने बताया कि ये मतलब लाइक आईब्रोज ज्यादा मोटी कर दी, बेस थिक लगा दी. तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था कयामत, उसमें मैं तो बैठ जाती थी सामने, क्योंकि सारी जिंदगी सनब्लॉक और लिप ग्लॉस के अलावा कुछ लगाया ही नहीं, तो पता ही नहीं था कि आप अपना इनपुट दें, जो कि पता होना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है. तो वो जब आईब्रोज वो होती थी, मुझे थिक पसंद है, तो मैं ये मेरी वो थी कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट को गा के थोड़े सा ना, यू नो, तो उस बेचारे ने लगा दी. अब वो जब आप कैमरे के सामने गए तो ऐसे पूरा, you know, like block, जो मैं भी exactly block draw किया हुआ पूरा, वो इतना बुरा लग रहा था. वो डायरेक्टर ने करवाया भी कि इसको थोड़ा नॉर्मल करे, पर जब वो प्रोजेक्ट आया तो शक्ल से ज्यादा जब आपने आपको देखते हैं तो लगता है सिर्फ आईब्रोज ही है. ऐसे शिखती भी ऊपर बड़ी बड़ी अजीब से. हम सबको आदत पड़ी थी टर्किश ड्रामा देख के थिक आईलैश आईब्रोज वगैरह की, बट अच्छी भी लगती हैं. डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, किस किस गेटअप में, किस लुक में क्या है. अदरवाइज सूट करती हैं, लेकिन हाँ ऑन स्क्रीन हम लोगों की ज्यादा वियर्ड लगती हैं ये हैवी. बट देन अगेन यू नो लाइक अगर सूट भी करती हैं, पर आई बिलीव कलर का जो चॉइस होता है ना, दैट रियली मैटर्स. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन. सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट.